अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शहजाद रॉयल हेयर कलर एजुकेटर। आज जो हम शेयर कर स्टडी करने वाले वो फेशियल के हैं। इसके अंदर हम आज जो मेन पार्ट इसका है बेसिक एंटी, हम उसको स्टडी करेंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि बेसिक एंटी को जब मिक्स करते हैं तो हम कोई भी शेयर कर जो आपको रिक्वायर्ड होता है या आपके क्लाइंट को रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ईजी आप बना सकते हैं। तो आज ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। जैसे कि हमारे पास बेसिक है, 2 से लेके 10 तक हमारे पास जो ये फर्स्ट वाली लाइन है ये आपको नजर आ रही होगी, ये बेसिक कलर है। और ये जो कलर व्हील नजर आ रहा है ये आपका एंटी कलर होते हैं, ठीक है। इसको हम जब मिक्स करते हैं इनके साथ तो आप ये जितने भी आपको इसकी फैमिली नजर आ रही है ये इससे खुद से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये बोर्ड है आज मेरे पास व्हाइट बोर्ड, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे कि इसको हम किस तरह बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बेसिक कितने कलर होते हैं और एंटी कलर कितने होते हैं। एंटी कलर आपके पास जो आपको जरूरत होते हैं वो आपको ओनली 7 कलर चाहिए होते हैं और बेसिक आपको 10 कलर चाहिए होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 2.0 है, फुल ब्लैक है, जहाँ से हमारा एशियन बाल स्टार्ट होता है। आपको पता है कि एशियन बाल 2.0 से स्टार्ट होता है। इसी तरह आपका 3.0 है, 4.0, 6.0 और सॉरी 5.0 और 6.0, यहाँ तक हमारे एशियन बाल होते हैं जो कि आपके हेयर्स के अंदर वो येलो, रेड और कॉपर ये आपको लाजमी नजर आएगा। जैसे कि आपको 0.45 नजर आएगा, उसके बाद 0.43 नजर आएगा और 0.33 नजर आएगा। ये क्या है, ये आपके इन हेयर्स के अंदर पिगमेंट जो होते हैं जब हम हेयर्स निकालते हैं ये आपको लाजमी नजर आते हैं। तो इस तरह जैसे कि 6.0 है, 7.0, 8.0, 9.0 और 10.0 के जो गोरे होते हैं उनके बालों में ये कलर होते हैं। तो जब हम हाईलाइट से निकालते हैं तो मोस्टली आपको क्या नजर आता है, जैसे कि अगर आप 7 लेवल पे कार्टून लेके जाते हैं आप या 6 लेवल पे कार्टून लेके जाते हैं तो आपको सबसे पहले पिगमेंट जो नजर आएगा आपके हाईलाइट के अंदर वो आपको आएगा 0.45 रेड, ठीक है। इसी तरह आप अपने बालों को अगर हाईलाइट कार्टून करते हैं आप 8 लेवल पे तो आपको नजर आएगा कॉपर, जैसे कि 0.43। उसके बाद अगर आप हेयर्स के अंदर हाईलाइट्स को एश की तरफ कार्टून करना चाह रहे हैं, 10 लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं यानी कि यहाँ तक, तो आपके हेयर्स के अंदर नजर आएगा येलो गोल्ड, ठीक है। तो इसको कट करने के लिए आपके ऑपोजिट इन्होंने कलर दिए हुए हैं, जैसे कि वायलेट दिया हुआ ये आपको कट करेगा येलो को, उसके बाद ब्लू दिया हुआ ये आपके कट करेगा कॉपर को, अगर आपके हेयर्स के अंदर रेड नजर आ रहा है तो उसको कट करेगा ग्रीन, ठीक है। इसी तरह इनके ऑपोजिट जिन्होंने कलर दिया हुआ है, आप हाईलाइट्स को जब निकालते हैं तो आपके हेयर्स के अंदर जब पिगमेंट नजर आता है तो आप अपने कलर के अंदर आप इन कलर को मिक्स कर सकते हैं जो इनके ऑपोजिट कलर है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को कोई भी कलर सीखना हो, पढ़ना हो, आप हमारे या इंस्टा पे या आप हमारे टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हैं और हम आपको डिटेल के साथ आपको शेयर एक बनाना सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।